अब यही रहना, फिर हम लोग मिलने आएंगे और हाँ फिर मुझे 15 मिनट कह के अपना 1 घंटे बाद आ रहे हैं। वाह। और आज हम लोग जिस घर में जा रहे हैं ना, वहाँ मेरे हस्बैंड जी लोग का ना बचपन पूरा बीता है ना। एक दिन बस आई थी अपना मैथ ऐसे नहीं बुझाते हैं नमन, अच्छे से बुझाओ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों कर लेते हैं एक नए व्लॉग की शुरुआत, और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से। अभी मैं हूँ मायके में, और आज दिन तक ना 10-11 बजे तक मैं मायके में ही हूँ। उसके बाद हम लोग को जाना है यहाँ फंक्शन में, उसके बाद वहाँ से हम लोग चले जाएंगे घर को। और अभी हम लोग मार्केट को जा रहे हैं क्योंकि मम्मी को ना सिलेंडर भरवाना है, और मुझे ना यहाँ से मड़वा भी पीस के ले जाना है। तो मैं ससुराल से लाना भूल गई थी कल, ससुराल में ना सासू माँ ने बोला था कि मड़वा ले जाना पीसने के लिए, तो वहाँ से लाना भूल गए थे, इसलिए मम्मी बोली यहाँ हमारे पास मड़वा है तो यहीं से पीस के ले जा। तो मैं इसको दे रही हूँ पीसवाने के लिए, और मम्मी जा रही आगे से सिलेंडर भरने के लिए। और मेरे हाथ में बोतल मक्का और कद्दू, बाकी मम्मी और भूमि ले जा रहे हैं ये सामान आगे से। और आज कपूर का मौसम काफी अच्छा हो रखा है, सुबह से मौसम बारिश वाला हुआ था, लेकिन अभी ना मौसम खुल चुका है। और सामने रहा कपकोट बाजार, और ये ऊपर रहा कपकोट गांव, और अभी हम जा रहे हैं भराड़ी की ओर। और दोस्तों कल गाड़ी मैंने यहाँ पे पार की थी क्योंकि वहाँ पे लगी हुई है, वरना मैं वहाँ पे करता हूँ हमेशा, तो कल मैंने यहीं पे कर दी। हम लोग भी आगे है गाड़ी में, और अब चलते हैं फटाफट से मार्केट की ओर। मार्केट जाने से पहले आगे है भारत गैस का ऑफिस, तो यहीं पर से भरवा लेते हैं। आजकल ना मम्मी लोगों ने एक गैस खरीदी है भारत गैस वाली, तो मम्मी बोल रही थी नजदीक में भी है, अच्छा भी होता है भरने में। इंडियन का क्या होता है कि गाड़ी आती है तो फिक्स डेट होती है कि मतलब इस दिन गाड़ी आएगी तभी भरेंगे, लेकिन भारत गैस में ना कभी भी खत्म होता है, कभी भी ला सकते हैं। यहाँ पे सामने ऑफिस है भारत गैस का, तो मेरे मम्मी और हस्बैंड जी चले गए हैं। हम लोगों ने यहाँ पर से सिलेंडर भी भर लिया है, अब रखते हैं इसको गाड़ी में। और देखो यहाँ पे सासू माँ की फुल हेल्प हो रही है, सिलेंडर तो भरवा लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं भराड़ी मार्केट पे, क्योंकि ना मेरी माला गच्छानी है, मतलब टूटी हुई थी तो उसको ठीक कराना है, और वो मेरे मायके से बनी थी तो मायके वाले ही ठीक करेंगे, इसलिए मैं अपनी मम्मी को लेके आई हूँ। तो दोस्तों भूमि और मम्मी को मैं मार्केट छोड़ के आया हूँ, और अब मार्केट में नहीं रुक सकता क्योंकि मार्केट में गाड़ी रुकना अलाउ नहीं है। मॉर्निंग के टाइम पर तो खास कर भाई, क्योंकि ना मॉर्निंग टाइम में वो इतनी ज्यादा भीड़ होती है, हर घाटी में गाड़ियां आती हैं और मार्केट एक है भाई, तो संकरी मार्केट है तो गाड़ियां अलाउ है ही नहीं, उतारो बस निकलो वहां से। तो मैं अभी यहां पे आया हूं टैक्सी स्टैंड पे, तो यहां पे रुकूंगा 15-20 मिनट के लिए। भूमि ने भी कहा था कि 15 मिनट के बाद आ जाना। दोस्तों आज हमको जिसके फंक्शन में जाना है ना, वो ना हमारे पुराने मकान मालिक के बेटे के लड़का हुआ है ना, तो उनका नामकरण है, नामकरण तो नहीं है पार्टी है, क्योंकि बच्चे का नामकरण तो जहाँ वो जॉब करते हैं वहीं हो गया था, गुजरात में नामकरण वगैरह सब वहीं हो गया था, तो आज यहाँ उन्होंने पार्टी कर रखी है। तो हमको निमंत्रण इसलिए दिया है क्योंकि हमारा बचपन उनके घर पे गुजरा है पूरा, हमने गिफ्ट कल ले लिया था तो वो रहा ये, और इसमें ना एक खास चीज़ है, तो क्या पता उनको पसंद आ जाए, क्योंकि ना हमने कुछ सोच के दिया हुआ है इसमें। अभी जाएंगे 12-1 बजे करीब उनके वहाँ। मुझे 15 मिनट कह के अपना 1 घंटे बाद आ रहे हैं। वाह। माला नहीं बनाई थी उन्होंने, बताया आधा घंटा हो गया था ना मम्मी, लाइट गया ठीक है, अच्छा उधर गई हूँ, अच्छा और सामान बन गई, क्या हुआ था इसमें? ये अच्छा नक लगाया था, अभी तो वैसी हो ना, वो नहीं होगा बल्ला में भैया हल्द्वानी गया, अच्छा फिर वो तो अगली बार जब गच्छा हो गया ना तब लाना बोल रहे थे। मार्केट से भी घर आ गए हैं, और घर आके ना मैंने नहा धो भी लिया है। मार्केट में मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि ना मेरे हस्बैंड जी चले गए थे पार्किंग में, और फोन भी यही लेके गए थे। अब घर आके मैंने नहा भी लिया है और मैं रेडी हो गई हूँ, नमन अंदर खाना खा रहा है, उसके बाद हम लोग चलते हैं फंक्शन अटेंड करने के लिए, और वहीं से ना घर भी चले जाएंगे। और मैंने आज एक सूट भी खरीदा, और ये मैंने ना अपने राखी के पैसों से लिया है, और ये मेरे हस्बैंड जी की चॉइस भी है, और कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। अभी मैंने इसका दुपट्टा नहीं पहना है, दुपट्टा अंदर है लेके आ रही हूँ, रुको। तो ये रहा इसका दुपट्टा जो कि इस टाइप का है, और ये कलर ना मेरे हस्बैंड जी की पसंद का, तो मुझे अच्छी लगी। और मैं अभी पैकिंग भी करने लगी हूँ ससुराल जाने की, नमन के ना कुछ पैजामे लेके आई थी, मैं इनको पैक कर देती हूँ, और हमको लेट भी हो जाएगा, अभी 12:30 हो गया हमको घर पे। चलिए दोस्तों हम लोग की तैयारी होगी है घर जाने की, और घर नहीं जाने हैं अभी, अरे सॉरी यार, मतलब तैयारी तो होगी ना घर जाने की, तो मैंने सामान वगैरह तो पैक कर लिया है, साथ ही साथ यहाँ की जो थोड़े कद्दू ककड़ी जो जो लगे थे वो सब ले जा रही हूँ। हम लोग की तैयारी भी होगी है यहाँ से जाने की, और ना पिठा वगैरह लगा दिया है मम्मी ने। अरे रुपए किसने दिए इसको? इसके नानी ने, बूढ़ी नानी ने। चल हम अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ फिर अब यही रहना,
फिर हम लोग मिल जाएंगे और हाँ फिर यहाँ रहेगी ना ठीक हो जाएगी, रहने दे यहीं अपने आप रहेंगे। हाँ जब तक अच्छे से ठीक नहीं होते यहीं रहो, क्या करना है। दुगना दो बोला वो। चलो फिर नानी, हाँ अपना ध्यान रखना, जब तक ठीक न हो गए यहीं रहना। बाय क्रिस, बाय करो, बाय बाय नानी, बाय कर दे नाना को, बाय। आज मैं अपने मायके से दिन का लंच नहीं करके जा रही हूँ और दिन के ना 12:30 भी हो गए हैं। चलो फिर आप फटाफट से चलते हैं और आप लोग को ना वहीं पे मिलते हैं, और लेट भी होगी है और मम्मी भी हमको रोड तक छोड़ने के लिए आ रही है और इनके पास इतने बैग हैं। आज मैं खाली हाथ जा रही हूँ दोस्तों, खाली हाथ। तो दोस्तों आज मैं मायके ना बस एक दिन के लिए आई थी, तो इसको बोलते हैं एक दिन बस आई थी अपना मैथ। अगर मैं उसी दिन आती, उसी दिन शाम को जाती तो दोहरा आई थी बोलते हमारे पहाड़ों में। और कल मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोला था ना कि मैं कन्फ्यूज हूँ, तो मैंने बोला था इन बालियों को मैंने किसकी चूकिया जो किसकी बाली बोल दिया था, तो ये है जौर का झोंगरा जिसे बोलते हैं, और जो सामने बड़ी बालियां है ना ये है बाजरा, बाजरा ये है। तो अभी ना मुझे मम्मी ने बताया है, मम्मी आई थी हम लोग को रोड में तक छोड़ने के लिए, ड्यूटी मिल गई मुझे इसको निकालने की। चलिए दोस्तों हम लोग भी चलते हैं, चलो नानी को बाय बाय कर लो, बाय बाय नानी, बाय। जो नानी के साथ ही जाता हूँ बल बाहर। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, अब चलते हैं फंक्शन में। और आज हम लोग जिस घर में जा रहे हैं ना, वहाँ मेरे हस्बैंड जी लोग का ना बचपन पूरा बीता है ना। रास्ता यहीं से, वहाँ से भी है लेकिन यहीं जाते हैं। और अंदर ना गाने लगे हुए हैं, तो मैं कम ही ब्लॉग बना पाऊंगी, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को ना शॉर्ट दिखाऊंगी। ये रही आंटी जी, ये रही हमारी बहू, धन्यवाद। और आंटी जी का भी आज क्या नाती, नाती हुआ अंकल जी, प्रणाम, टाइम से पहुंच गया थे। अरे अभी पहुंच रहे हो ना। हाँ ये रहे दीपुदा हमारे, हेलो हेलो। हरे कृष्ण, कैसा है? बस बढ़िया बढ़िया। और आज इन्हीं के बच्चे की पार्टी है, मतलब बच्चे होने के उपलक्ष्य पर जन्मोत्सव का प्रीति भोज कार्यक्रम। नामकरण तो हो गया ना? हाँ नामकरण हो गया। चलो बट बधाई है आपको, बहुत 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 धन्यवाद। टूटी बाजू बंदर